स्टूडेंट, आज लेसन 7 पी ब्लॉक तत्व में आगे पढ़ेंगे। पी ब्लॉक तत्व में हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन परिवार, और नाइट्रोजन परिवार के आज हम नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का सबसे पहला जो हमारा प्रथम जो यौगिक है वह है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिकों में डाई नाइट्रोजन जो होता है पहला हमारा क्या होता है कंपाउंड डाई नाइट्रोजन। ठीक है, जो डाई नाइट्रोजन है ना, इसको हम किससे N2 के द्वारा दर्शाते हैं, ये हमारा क्या है डाई नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये जो डाई नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाई नाइट्रोजन की क्या क्या विशेषता है। तो डाई नाइट्रोजन पहली बात तो द्विपरमाणिक होता है। ठीक है, परमाणुता इसकी कितनी होती है, दो परमाणु मिलकर क्या नाइट्रोजन का एक परमाणु और नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु दोनों आपस में मिलकर डाई नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसमें कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, और नाइट्रोजन का जो अणु सूत्र क्या होता है आपका N2 होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस का जो अणु सूत्र क्या होता है आपका N2 होता है। इस प्रकार हम देखते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार बनेगा, नाइट्रोजन कितने नंबर पे 7 पर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p आपका क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। ठीक है, पर ये p भी कैसा रहेगा आपका px1 py1 और pz1 है ना, इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं px2 p है ना 2px1 है ना 2py1 और 2pz। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या होता है, जो इसके बाहरी शेल होता है p ऑर्बिटल होता है, उस सभी p ऑर्बिटल में क्या होता है एक-एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और हम इसको जब डाई नाइट्रोजन की बात करें, चूंकि यहां पर लिखना है एक-एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है सभी में अयुग्मित है, तो दो नाइट्रोजन के परमाणु क्या होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं डाई नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये नाइट्रोजन आपका, ये नाइट्रोजन इसमें हम देखें तो सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। ठीक है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी के पास एक एक। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं एक दूसरे के साथ डबल बॉन्डिंग करके क्या बना लेते हैं बंध का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ हम देखते हैं तो ये इसका बाहरी शेल है। ठीक है, तो इसमें बाहरी शेल में क्या होता है एक एक इलेक्ट्रॉन तो आपके क्या हो गए बंध बनाने में काम आ गए हैं। ठीक है, परंतु अब आपके पास टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जो एक नाइट्रोजन के लिए 2 यहाँ पर हो रहे और दूसरे नाइट्रोजन के लिए 2 यहाँ पर हो रहे। तो इस प्रकार ये क्या है इनके नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में यानी डाई नाइट्रोजन के बीच में देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये आपका डाई नाइट्रोजन होता है। अब डाई नाइट्रोजन के बनाने की क्या विधि होती है ना, बनाने की विधि के बारे में बात करें डाई नाइट्रोजन की, तो डाई नाइट्रोजन के बनाने की विधि डाई नाइट्रोजन के बनाने की विधि। ठीक है, और इस विधि में सबसे पहली विधि हम लेंगे प्रयोगशाला विधि। ठीक है, कौन सी विधि लेंगे प्रयोगशाला विधि। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले आपके होगी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में अमोनियम नाइट्रेट को क्या किया जाता है गर्म करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। ये देखिए सबसे पहले आपका क्या है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2। ठीक है, ये आपका अमोनियम नाइट्रेट है। जब इसको हम क्या करते हैं गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है दो नाइट्रोजन आपस में जुड़कर डाई नाइट्रोजन, और आपके पास क्या बन जाता है 4H है और 2 ऑक्सीजन से, तो ये क्या बना लेता है आपका ट्वाइस H2O बना लेता है। यानी आपके पास डाई नाइट्रोजन इसके द्वारा आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। ये हमें चूंकि नाइट्रोजन ही गैसेस फॉर्म में होती है और लिक्विड है तो ये वाटर क्या है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार एक प्रयोगशाला विधि में अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं सोडियम नाइट्रेट और आपका NH4Cl के रिएक्शन के द्वारा भी हम नाइट्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए NaNO2
ठीक है, प्लस इसके साथ क्या कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को ले लेते हैं NH बॉन्ड्स किए, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये दोनों क्या होता है, एक्वास फॉर्म में होते हैं, है ना, जलीय अवस्था में होते हैं दोनों। जब इनको हीट किया जाता है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाती है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ से क्या है, एक नाइट्रोजन यहाँ से, एक नाइट्रोजन यहाँ से लिया और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, ट्वाइस H2O और आपके पास NaCl भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन दोनों आपस में जुड़े, ठीक है, चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया आपका, यह आपका क्या बना दिया, आपका चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन में वाटर मॉलिक्यूल और आपके पास NaCl प्राप्त हुआ। तो ये आपके होती है प्रयोगशाला विधि, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाइनाइट्रोजन्स को बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अभी, तो हम बेरिलियम नाइट्राइड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसका अमोनिया नाइट्रोजन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, इसके द्वारा बेरियम एजाइड के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा बेरियम एजाइड के द्वारा, ठीक है, बेरियम एजाइड के द्वारा भी हम देखें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, तो ये बेरियम है आपका, ठीक है, इसके साथ हम क्या कर दे, NH3 वोल्ट वायर, जब हम इसको क्या कर देते हैं, हिट करते हैं, तो बेरियम आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और आपके पास क्या हो जाता है, 3 आपका हाइड्रोजन गैस जो कि प्राप्त हो जाती है। तो ये भी क्या कर सकते हैं, बेरियम ट्राई नाइट्राइड के या एजाइड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपका डाइनाइट्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करें, ठीक है, डाइनाइट्रोजन के बनाने की विधि हो गई है आपके। अब इसमें हम देखते हैं डाइनाइट्रोजन के रासायनिक गुण, है ना, डाइनाइट्रोजन के रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले इस पे जो देखा जाता है लिटमस का प्रभाव, ठीक है, सबसे पहला प्रभाव हम देखेंगे तो किसका आएगा, लिटमस का प्रभाव देखते हैं, तो लिटमस का प्रभाव, है ना, लिटमस हम काय के लिए यूज करते हैं, किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम लिटमस पेपर के जब टेस्ट देते हैं तो डाइनाइट्रोजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि डाइनाइट्रोजन क्या है, आपकी उदासीन है, ठीक है, उदासीन गैस है आपकी, ठीक है, समझ में आया। तो पहला लिटमस पेपर आपको दिया, दूसरा देखिए कि जब इसको अपन उच्च ऋण विद्युतों के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, उसके कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ बात करें लिथियम की, ठीक है, 6 लिथियम प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, यह आपका क्या है, एल्किल, यह आपका क्या है, एल्किल का कंपाउंड है, लिथियम है, ठीक है। जब लिथियम के साथ जब इसकी रिएक्शन की जाती है लगभग 450 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, लगभग 450 डिग्री सेल्सियस पर जब रिएक्शन की जाती है तो हमारे पास, है ना, लिथियम नाइट्राइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, लिथियम नाइट्राइड प्राप्त होता है, ठीक है, यानी लिथियम से रिएक्शन करने पे। इसी प्रकार मैग्नीशियम से भी जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम से भी हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, आपका मैग्नीशियम वाला नाइट्राइड प्राप्त हो जाता है, जिसे मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं, जैसे MgN2, ठीक है, यह आपका क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, क्या मैग्नीशियम नाइट्राइड आपके पास प्राप्त हो जाता है। पहला तो ये रिएक्शंस हो गया, उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के साथ रिएक्शंस हो गई। अगला देखिए, जब आपकी क्या करा जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है, है ना, तीसरा आपका क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है, तो है ना, आपका कितना है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो सॉरी हाइड्रोजन से क्रिया करता है ना, तो हाइड्रोजन से जब क्रिया करता है तो क्या करता है, अमोनिया का निर्माण करता है, ठीक है, ये
आपकी क्या कहलाती है, डबल बॉन्डिंग कहलाती है ना। इसमें क्या किया जाता है, आपका नाइट्रोजन क्या करता है, यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करके आपका क्या कर देता है, अमोनिया का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार हम देखें, यह डाई नाइट्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन आपका अमोनिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद ये दोनों क्या है, गैसेस फॉर्म में प्राप्त होती है ना। उसके बाद हम देखें, जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन से जब क्रिया करवाते हैं इसकी, ठीक है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करवाने पर आपके पास है ना NO, ठीक है, NO मतलब आपका इसमें क्या बना देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स से आपके क्या है, जैसे केमिकल रिएक्शंस है जिसके थ्रू क्या होती है, नाइट्रोजन किसी अन्य कंपाउंड के साथ किस प्रकार से विद्युत रिएक्शंस कर देती है, ये आपको इसमें दिखा गया, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब रिएक्शंस करती है, आपका जो चौथा पॉइंट है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब रिएक्शंस करती है, चौथा पॉइंट है आपका कैल्शियम कार्बाइड के साथ साथ अभिक्रिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब अभिक्रिया करती है ना, तो हमारे पास ये देखिए कैल्शियम और ये कार्बाइड है, ठीक है। जब इसके साथ जब हम रिएक्शंस करवाते हैं, लगभग 1000, ठीक है, डिग्री 1000 केल्विन पर, ठीक है, तो गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के साथ आपका क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन और आपका, ठीक है, क्या हो जाता है, कार्बन इसके द्वारा मुक्त हो जाता है। यानी इस प्रकार हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन आपके पास प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है कैल्शियम के साथ रिएक्शंस हो जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस हमारे नाइट्रोजन के द्वारा दी जाती है, ठीक है।